हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर फलकॉनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर, जो पेपर है हमारे पास दैट इज ऑफ सिक्किमस। सिक्किमस में जो रिक्रूटमेंट हुई थी ऑफ जूनियर स्टाफ नर्सेस इन 2021, उसका पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज एट विच टेम्परेचर डीबीटी वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड। देखिए, जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है विद रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है विद रेस्पेक्ट टू सिक्किमस नर्सिंग एग्जाम। देन अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो वैक्सीन्स होते हैं, वैक्सीन्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ दियर हीट सेंसिटिविटी और हीट रेजिस्टेंस हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। एंड जो दूसरा क्लास है, दैट इज द हीट रेजिस्टेंट, और जो हीट रेजिस्टेंट होगा दैट विल बी फ्रीज सेंसिटिव, फ्रीज सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव। देखिए, अब डिफरेंस क्या होती है दो में। जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है, दैट मीन्स कि अगर इसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, दैट मीन्स कि एट दैट टेम्परेचर ये जो वैक्सीन है, इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो पेटेंसी है, इसका जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये वैक्सीन तब जाके इफेक्ट नहीं रहेगा अगर इसको ज़्यादा हीट मिल गई। देन इन द सेम वे, जो फ्री सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं, अगर हमने इनको स्टोर किया एट लोअर टेम्परेचर, तब जाके इनको क्या होगा, इनकी जो एफिकेसी है वो जाके खत्म हो जाएगी। अब हीट सेंसिटिव वैक्सीन में कौन कौन सा वैक्सीन आता है हमारा? ओपीवी आता है हीट सेंसिटिव वैक्सीन में, देन मीजल्स आता है। ये दो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स है जो हीट सेंसिटिव है, राइट। जो भी हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है ऑफ रेफ्रिजरेटर, वहां पे उनको स्टोर करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। ओपीवी को -20 पे हम स्टोर करते हैं। देन जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं और फ्रीज सेंसिटिव, उनको किस टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं? यूजुअली 4 to 8 degree centigrade पे। नाउ फ्री सेंसिटिव वैक्सीन में कौन कौन सा वैक्सीन आता है? जैसे हमारा मोस्ट फ्री सेंसिटिव वैक्सीन जो होता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी, राइट। जो डीपीटी है और डीटी, ठीक है, वो जाके क्या बनते हैं, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन प्लस टेटनस टॉक्साइड। लेकिन टेटनस टॉक्साइड जो है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये हम रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ देखिए, जो भी फ्री सेंसिटिव वैक्सीन्स होते हैं, अगर हमने इनको फ्रीज किया तब जाके इनकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। तो इनकी एफिकेसी को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वी कॉल इट एज शेक टेस्ट। शेक टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 3 वायल्स लेते हैं। 3 वायल्स में एक जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीज कंट्रोल वायल। फ्रीज कंट्रोल वायल में क्या होता है, वहां पे हमें फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन होता है, राइट। इन एडिशन टू दिस हमें 2 और वायल्स होते हैं, ठीक है। जब हम इन 3 वायल्स को एट द सेम टाइम लेते हैं, देन इनको हम शेक करते हैं, ठीक। एज फॉर इंस्टेंस दिस वन इज कंट्रोल वायल, ठीक है। जो कंट्रोल वायल होती है वो फ्रोजन होती है। जब हम इनको शेक करते हैं, आफ्टर शेकिंग हम क्या चेक करते हैं कि सेडिमेंटेशन किस में हुई है, जो 2 रिमेनिंग वायल्स है इनमें से किस में सेडिमेंटेशन हुई है। जिस वाली में सेडिमेंटेशन होगी, दैट मीन्स कि इसमें क्या है, देयर इज फ्रीजिंग। सो ये वाला जो वैक्सीन है जिसमें सेडिमेंटेशन होगी, ये हमें डिस्कार्ड करना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये अब पेटेंट नहीं रहा है और इफेक्टिव नहीं रहा है। जो अदर वैक्सीन है जिसमें सेडिमेंटेशन नहीं हुई है, दैट मीन्स वो वाला वैक्सीन पेटेंट है, वो हम
यूज कर सकते हो। सो जो भी डीपीटी वैक्सीन होगा फ्रोजन, ठीक है, ऐसे वैक्सीन को हमें यूज नहीं करना है, ऐसे वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना है, ये जाके एग्जामिनर पूछ सकता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज बनती है, जो डीपीटी होता है, अगर किसी इंडिविजुअल को डीपीटी का डोज मिस हुआ आफ्टर 6 ईयर्स, हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर आफ्टर 6 ईयर्स हमें देना हो तब जाके डीपीटी की जगह पे हम डीटी देते हैं। क्यों डीटी देते हैं? बिकॉज 6 ईयर्स के बाद जो पर्ट्यूसिस की चांसेस है वो जाके एक इंडिविजुअल में कम हो जाते हैं। सो नीड फॉर पर्ट्यूसिस वैक्सीन तब जाके एग्जिस्ट नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ए पेशेंट कंटिन्यूज टू हाइपोवेंटिलेट, पेशेंट को क्या है कंटिन्यूअसली वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कम ले रहा है और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम छोड़ रहा है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच कॉम्प्लिकेशन मे ऑकर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब एक इंडिविजुअल कम छोड़ेगा, ठीक है, प्लाज्मा में क्या होगा, दिस विल कंबाइन विद वाटर एंड इट विल मेक H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो कार्बोनिक एसिड बनेगा हम वहां पे, दैट मीन्स कि एसिडोसिस इज देयर। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, दिस इज रिलेटेड टू द लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। थर्ड क्वेश्चन इज, ए 3-5 प्रिंटेड लिंकर्ड स्केल इज यूज्ड टू मेजर। देखिए ये जो लिंकर्ड स्केल होती है, लिंकर्ड स्केल हम रिसर्च में यूज करते हैं और साइकोलॉजी में भी हम इसका यूज करते हैं। जो लिंकर्ड स्केल है इससे हम एक इंडिविजुअल के ओपिनियंस चेक करते हैं, इसका एटीट्यूड चेक करते हैं और एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक करते हैं, राइट। ये सीक्वेंस है इसकी, ओपिनियंस, ठीक है, उसके बाद जिसकी सिग्निफिकेंस जाएगी दैट इज एटीट्यूड और तीसरे नंबर पे बिहेवियर का जाएगा। अब यहाँ पे ओपिनियंस का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द एटीट्यूड, ठीक है, सेकंड लेवल पे एटीट्यूड मेजर करते हैं। अगर एटीट्यूड का भी ऑप्शन नहीं होगा देन ऑप्शन विल गो एज बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। देन मेनिक अटैक आर प्रिवेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, जो मेनिया होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए मेनिक अटैक को कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, साइड इफेक्ट्स वगैरह, टॉक्सिसिटी की लेवल्स वगैरह और उसका मैनेजमेंट, वो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। देन इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट जो कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस होते हैं जैसे गिल्बर्ट्स सिंड्रोम वगैरह, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होती है वो प्रेजेंट होती है राइट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। देन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट अपीयर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है, अपीयर हो जाता है। देन टोटल बिलिरुबिन इज मोर देन 15 mg/dL, ये भी होता है। नेक्स्ट इज सीरम बिलिरुबिन डजंट एग्जिस्ट 15 mg/dL, 15 mg/dL से ज्यादा नहीं होता है सीरम बिलिरुबिन, बट बढ़ जाता है, मोर देन 50 mg/dL भी हो जाता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन इज मोर देन 2 mg/dL, इतना भी होता है एक इंडिविजुअल में। सो ऑप्शन सी इज के जो सीरम बिलिरुबिन है वो एक्सीड नहीं करता है 15 mg/dL को, बट इन एक्चुअल सेंस वो एक्सीड करता है। नेक्स्ट इज ड्रग काजिंग फोलेट डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी किस ड्रग से होती है, दैट इज मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम MTX लिखते हैं। मेथोट्रेक्सेट क्या है, दिस इज ए साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो एस्फेज होता है, एस्फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, ऑफ सेल डिवीजन, वो जाके ये इनहेबिट करता है, इट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है। सो हम ये कीमोथेरेपी में देते हैं, प्लस किसी भी इंडिविजुअल को अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक, लाइक किसी इंडिविजुअल को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वहां पे MTX का यूज करते हैं, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को सोरिएसिस होगी वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। इवन कि मिल्क सप्रेशन के लिए हम यूजुअली तो ब्रोमोक्रिप्टिन का यूज करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन अवेलेबल ना हो तब जाके हम मेथोट्रेक्सेट का यूज करते हैं। जो भी पेशेंट ऑन मेथोट्रेक्सेट होगा,
कैंसर का पेशेंट और इन जनरल जो भी मिथोट्रेक्सेट पे होगा उसको फोलिएट डेफिशिएंसी होती है. दैट इज व्हाई जो मिथोट्रेक्सेट है इसका एंटीडोट बनता है एलसीवी. एलसीवी इज ल्यूकोवेरियन कैल्शियम. ल्यूकोवेरियन कैल्शियम जो होता है ये होता है फोलिएट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम. ठीक है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, इसमें फोलिक एसिड होता है और फोलिएट होता है. दैट इज वाई ये हम मिथोट्रेक्सेट के लिए एज एंटीडोट यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलीगेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ. जो डेलीगेशन है वो किसका प्रिंसिपल है? डेलीगेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, नेक्स्ट ए सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इज एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज. जब एक सिस्टम है जो हम यूज करते हैं फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द कोल्ड चेन. ये बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर रिवर्स कोल्ड चेन का भी पूछ सकता है. रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है? जब भी हम किसी पेशेंट का, किसी इंडिविजुअल का स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एट द साइट ऑफ कलेक्शन अप टू द लैब, हम इसको क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे इसकी स्टोरेज करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स कोल्ड चेन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी और डीटी वैक्सीन इज, जो डीपीटी होता है और डीटी होता है उसको हम एज डी बाय एम देते हैं. ठीक है, डी बाय एम देते हैं इन मोस्टली ये वास्टस लेटरलिस रूट हम यूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द आई एम वैक्सीन. ठीक है, सबक्यूटेनियस हम रूट थ्रो जो है दिस एम आर वैक्सीन और एम एम आर. अब एम एम आर नहीं देते हैं, एम आर देते हैं. एम एम आर हम थ्रू सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मल एंड सबक्यूटेनियस इज सेम, वो इस रूट थ्रो देते हैं. देन इंट्राडर्मल जो है वो हम बी सी जी के लिए यूज करते हैं. देन विच बैसिलाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक मीडियम इन द वेजिनल सिक्रीशन दैट इज द डोडरलिनस बैसिलाई. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज डोडरलिनस बैक्टीरिया, जो वेजिना का पीएच मेंटेन रखता है इन एसिडिक रेंज. नेक्स्ट इज व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन एनीमा मैक्सिमम सेफ हाइट एट विच द कंटेनर ऑफ फ्लूड शुड बी हेल्ड. देखिए, जो एनीमा होता है, जब भी हम एक इंडिविजुअल में एनीमा की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो हाइट हम रखते हैं यूजुअली इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप ऑफ एनीमा हम यूज करते हैं. ठीक है, जो विजुअल हाइट होती है दैट इज 30-45 सेंटीमीटर, बट एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम सेफ हाइट. ठीक है, सो मैक्सिमम सेफ हाइट क्या है, 45 सेंटीमीटर. जो लो हाइट एनीमा हम अगर किसी इंडिविजुअल को देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर पे भी हम एडमिनिस्टर कर देते हैं. नाउ व्हेन द एम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? जब एक एम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी टू द मेम्ब्रेन इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द वेलमेंटस प्लेसेंटा. दैट मीन्स कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेनस. ठीक है, बैटल डोर में क्या होता है, मार्जिन में इंसर्शन हुई होती है. शॉर्ट कॉर्ड हम कब बोलते हैं, जब एक एम्बिलिकल कॉर्ड की जो यूजुअल लेंथ होती है दैट इज 50 सेंटीमीटर. व्हेन इट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर वी कॉल इट एज शॉर्ट कॉर्ड. जब मोर देन 100 सेंटीमीटर होगी वी कॉल इट एज लॉन्ग कॉर्ड. वसा प्रीविया क्या होता है, वसा प्रीविया इज जो फीटल वेसल्स होते हैं जब ये प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ और बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट. ठीक है, और नियर द ऑस, तब जाके हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वसा प्रीविया बोलते हैं. ये गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी बनती है. सो व्हेन एम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेनस इट इज कॉल्ड एज द वेलमेंटस प्लेसेंटा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड फॉर ए क्लाइंट हु हैज साइकोमोटर एग्रेशन. अब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को साइकोमोटर एग्रेशन है. ठीक है, यूजुअली पेशेंट को कब साइकोमोटर एग्रेशन होता है, जब कोई सीएनएस स्टिमुलेंट्स लेता है. ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस कोकेन और एम्फेटामाइन या पेशेंट को मेनिया होगा, तब जाके
इसको क्या होगा, जो साइकोमोटर एग्रेशन होगा एक इंडिविजुअल को, ठीक है। सिंपली क्या है, जो इसकी मोटर एक्टिविटी है दैट विल बी इंक्रीज्ड। एक इंडिविजुअल को साइकोमोटर एग्रेशन जब होगा तब जाके हम कौन सी एक्टिविटीज ऐसे पेशेंट में प्लान कर सकते हैं। अब पेशेंट को साइकोमोटर एग्रेशन है सो ऐसे पेशेंट को वॉलीबॉल प्ले करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, चेस प्लेइंग के लिए भी नहीं करेंगे और सिंपल कार्ड गेम्स के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसमें मोटर इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अगर रीडिंग मैगजीन्स की बात करेंगे, दिस इज द मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, और दिस इज साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। सो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी के लिए हम ऐसे पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं जिसमें मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, वहां पे वो एक्शन हमें ऐसे पेशेंट को एडवाइस नहीं करने। डिजीज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, दैट इज द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन। जब भी बोन का फ्रैक्चर होता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग दिस के सबसे पहले जो विद इन 48 टू 72 आवर्स चांसेस ऑफ फैट एम्बोलिज्म होते हैं एक इंडिविजुअल में। देन फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल विटामिन्स एक्सेप्ट, ठीक है, जो फैट्स है दैट आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल विटामिन्स एक्सेप्ट वन। जो विटामिन्स होते हैं एज यू नो दो टाइप के होते हैं, वन इज द फैट सॉल्युबल, अनदर इज वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं दैट इज ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी। सो फैट्स आर नॉन एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी। देन इन प्रीमैच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न। अगर प्रीमैच्योर लेबर होगा तब जाके कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट बनेगी फॉर द न्यूबॉर्न। सो न्यूबॉर्न को हम क्या देते हैं, वी एडमिनिस्टर द डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन हम IM एडमिनिस्टर करते हैं टू द मदर, सो दैट कि जो ये प्रीटर्म लेबर हो रहा है, ठीक है, जो प्रीमैच्योर अगर बेबी होगा वहां पे तब जाके उसकी लंग मैच्योरिटी होती है बाय डेक्सामेथासोन। मैग्नीशियम सल्फेट का हम यूज कर सकते हैं इन प्रीटर्म लेबर, ये एज टोकोलिटिक एजेंट यूज होता है, ठीक है, सो टोकोलिटिक एजेंट अगर ये यूज होता है ये प्रिवेंट करेगा इस प्रीटर्म लेबर को, और ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटराइन स्टिमुलेंट है। देन व्हेन ए क्लाइंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कंप्लेन्स ऑफ हियरिंग वॉइसेस आउटसाइड द विंडो टेलिंग हिम टू डू, देन दिस सिम्टम इज कॉल्ड एज, ठीक है, एक इंडिविजुअल है उसको बाहर से वॉइसेस आ रही है, ठीक, और वो वॉइसेस उस इंडिविजुअल को कुछ करने को बोल रही है, दैट इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ए क्लाइंट हु इज एट रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म वुड से यू वोंट हैव टू वरी अबाउट मी मच फ्रॉम इट इंडिकेटर्स, दैट मीन्स कि एक क्लाइंट जो है जो रिस्क पे है ऑफ सेल्फ हार्म, अब ऐसा क्लाइंट हमें क्या बोल रहा है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी मच फ्रॉम, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है ही और शी इज हैविंग द इंटेंशन ऑफ द सुसाइड। देन फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन द सेम साइकिल बाय सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस विद ए शॉर्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, ठीक है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर दो ओवम रिलीज हुए हैं, ठीक है, लेकिन सेम साइकिल में हुए हैं, फिर जाके उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है दोनों ओवम्स की, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सुपर फेकंडेशन, ठीक है। सुपर फेकंडेशन में क्या होता है, दो ओम इन द सेम साइकिल निकलते हैं तब जाके वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, लेकिन सुपर फेटेशन में क्या होता है, जो दो ओम है वो डिफरेंट साइकिल्स में निकलते हैं फिर जाके वो दो ओम फर्टिलाइज हो जाते हैं। फ्रुक्टोस इज कॉमनली कॉल्ड एज, फ्रुक्टोस को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द फ्रूट शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर इज लैक्टोस, ठीक है, माल्ट शुगर इज माल्टोस, माल्टोस डाइसैकेराइड होता है, जब ये ब्रेक होता है इससे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, एंड केन शुगर इज दैट्स कॉल्ड एज द सुक्रोज। नाउ नेक्स्ट इज एन इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विच ऑकर्स एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज, जो इन्फेक्शन है ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ
वेजिनल डिलीवरी उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल पायरेक्सिया। द नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन ए, जो वाइटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, फर्स्ट इज हैबिट लिवर ऑयल, ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी पे जाता है फिश लिवर ऑयल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शनस आर टर्मड एज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शनस जो होते हैं उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शनस बोलते हैं। कॉन्टेजियस क्या होते हैं, कॉन्टेजियस मीनस जो, कॉन्टेजियस मीनस दैट मीनस के जो ट्रांसमिट हो जाए एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीनस कि पेशेंट को कोई डिजीज है किसी इंडिविजुअल को, उसने किसी सबस्टेंस को किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, फिर जाके दूसरे इंडिविजुअल ने उसको टच किया और ऐसे इंडिविजुअल को बीमारी ट्रांसमिट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेजियस डिजीज। और जूनोसिस क्या होती है, जूनोसिस डिजीज इज दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स। देन मोस्ट कॉमन ड्रग कॉजिंग एलर्जी इज, जो ड्रग्स होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सा है, पहली कैटेगरी पे आता है पेंसिलिन। पेंसिलिन से मोस्ट कॉमनली और मोस्ट सीवियर एनाफाइलैक्सिस होती है फॉलोड बाय सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। देन शॉक वैक्सीन इज ए, देखिए जो वैक्सीन होते हैं पोलियो के, वन इज द ओपीवी, सेकंड इज द आईपीवी, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज द शॉक, अनदर इज कॉल्ड एज द सैबिन। जो शॉक होता है दैट इज ओपीवी, ठीक है, जो ओपीवी होता है ओरल इज लाइव, और जो आईपीवी होता है दैट इज किलर। सो जो शॉक होता है दिस इज द लाइव वायरल वैक्सीन। देन कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज द एटिलेक्टेसिस। जौहरी विंडो कंसेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाई, जो जौहरी विंडो था दैट वॉज प्रपोज्ड बाई जोसेफ लुप्ट एंड हैरी इंघम। इससे क्या होता है हमें, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम जौहरी विंडो का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफिलिपाइटिस इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वास्कुलर सर्जरी। जब भी हमने एक इंडिविजुअल को वास्कुलर सर्जरी की है तब जाके एक इंडिविजुअल में चांसेस ऑफ थ्रोम्बोफिलिपाइटिस होते हैं। विच आर द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट पॉसिबल थ्रोम्बस फॉर्मेशन, किस साइन से पता चलेगा कि यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है, दैट इज फर्स्ट इज होमेनस साइन, देन कर्निकस साइन, ब्रूडजेनस की साइन, क्यूलेनस साइन। जो कर्निकस और ब्रूडजेनस की साइन होती है वो जाके प्रेजेंट होती है इन मेनिनजाइटिस, देन क्यूलेनस साइन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटाइटिस, और जो होमेनस साइन होती है दैट इज प्रेजेंट इन डीवीटी और थ्रोम्बोफिलिपाइटिस। इसमें क्या होता है, जब हम एक इंडिविजुअल के फीट को फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन पे एक इंडिविजुअल को जो काफ मसल है, काफ मसल में पेन हो जाती है, डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन से काफ मसल में पेन हो जाती है, बट दिस इज नॉट द सुपरस्पेसिफिक डायग्नोसिस फॉर थ्रोम्बोफिलिपाइटिस और डीवीटी, बिकॉज 70% ऑफ द केसेस में क्या होता है, होमेनस साइन प्रेजेंट नहीं होती है। कोलेजन इज फॉर्म्ड बाय, कोलेजन जो है ये बना होता है ऑफ फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट्स का बना होता है कोलेजन, और जो कोलेजन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू का पूछा जाएगा, देन इट विल बी कनेक्टिव टिश्यू। द अर्बस पॉइंट इज द जंक्शन ऑफ, जो अर्बस पॉइंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द C5 एंड C6। मेमोराइज कैसे करोगे, जो E है वो फिफ्थ लेटर आता है, ठीक है, सो जो फिफ्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ C5 दैट इज फिफ्थ सर्वाइकल और सिक्स्थ सर्वाइकल नर्व होती है, वहाँ पे जाके अर्बस पॉइंट प्रेजेंट होगा, एंड दिस अर्बस पॉइंट इज ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर अर्बस पॉइंट पे और C5 C6 की इंजरी हो जाएगी किसी इंडिविजुअल में, ऐसे इंडिविजुअल को क्या होता है, अर्बस पॉल्सी होती है। अर्बस पॉल्सी का कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो वहां पे क्या होता है, वेटर्स टिप,
वेट और स्टिप मीन्स कि जो इसका हैंड होता है वो जाके ऐसे बैकवर्ड टर्न करता है, ठीक है। C5 C6 पे इंजरी हो जाए तो अर्बस पैल्सी, और C7 C8 पे हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज क्लंकीज पैल्सी। नेक्स्ट इज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कुछ रिस्क फैक्टर्स है लेकिन एक इनमें से नहीं है। डीवीटी काज बनता है और रिस्क फैक्टर बनता है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, अगर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन होगी किसी इंडिविजुअल में तब जाके वेनस स्टेसिस होती है और थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी एक फीमेल को क्या होता है, वेनस स्टेसिस हो जाती है, लेकिन एनीमिया जो है वो काज नहीं बन सकता है ऑफ डीवीटी और ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एनीमिया किसका कॉज बन सकता है, इट कैन बी कॉज ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर का ये कॉज बन सकता है, फॉरवर्ड फेलियर का कॉज। ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्निया, चाइल्ड को क्या है, डिस्निया है। विच नर्सिंग केयर वुड यू प्रोवाइड टू द क्लाइंट, जो चाइल्ड है, चाइल्ड को डिस्निया है, व्हाट विल बी द नर्सिंग केयर दैट यू प्रोवाइड इन दैट केस। स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन का तो कोई रोल नहीं होगा वहां पे, राइट, बिकॉज अगर इंडिविजुअल को डिस्निया है इट कैन बी बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एज वेल। जब आईवी इन्फ्यूजन दोगे तो इसका डिस्निया का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। देन प्रोवाइड सुपाइन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन में लंग एक्सपेंशन सही से नहीं होगी, ये रिलीव हो जाएगा, ये एग्रीवेट हो जाएगा इसका डिस्निया। देन स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी एंड स्टार्ट न्यूबलाइजेशन। देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन थेरेपी और न्यूबलाइजेशन की बात करेंगे, डिस्निया एक इंडिविजुअल में या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से होगा और इट कैन बी बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। सो अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से डिस्निया हुआ है एक इंडिविजुअल को तो न्यूबलाइजेशन कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि हमें कॉज नहीं दिया है ऑफ डिस्निया। देन सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बिलोंग्स टू विच वेराइटी, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो एल्बो की तरफ रेडियस और अल्ना का ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो रेडियस है वो बाहर की तरफ होती है और वैकेंसी की लेटरल साइड में होती है, और जो अल्ना है वो मीडियल साइड में होती है, ठीक। जो सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट है दैट इज द पाइवोट ज्वाइंट, ठीक, और ये जो पाइवोट ज्वाइंट है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, जो फर्स्ट एंड सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा होती है, फर्स्ट इज द एटलस सेकंड इज एक्सिस, इसके दरमियान भी पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। देन सैडल ज्वाइंट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द थंब, जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम इज द बोन ऑफ जो कार्पल है, कार्पल बोनस में आती है और रिस्ट बोनस में ट्रेपीजियम एक बोन आती है, उसके बीच और जो थंब होता है इसके बीच क्या होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। देन जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है दिस इज कॉल्ड एज द कंडाइलॉइड ज्वाइंट, कंडाइलॉइड ज्वाइंट ये प्रेजेंट होता है बिटवीन रेडियस एंड कार्पलस। देन प्लेन ज्वाइंट जो होता है, प्लेन ज्वाइंट को हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द कार्पलस और बिटवीन द टार्सलस। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ORS एज पर WHO इज 75 मिलीऑस्मोल्स, सोडियम की भी 75 होती है और ग्लूकोज की भी 75 होती है। कंसेंट्रेशन और जो इसका ये वेट है, किस सब्सटेंस का कितना वेट होता है इन ग्राम्स, वो जाके आपको चेक करने हैं। ORS इंपॉर्टेंट बनता है, प्लस इसके साथ डहेरिया भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नाउ टोटल नर्सिंग केयर डायरेक्टेड बाय ए नर्स ऑन ए 24 आवर बेसिस एज लॉन्ग एज द क्लाइंट इज अंडर केयर, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द प्राइमरी नर्सिंग, ठीक। ए गेस्टेशन सैक, ए गेस्टेशन लोकेटेड आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होगी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी उसको हम जाके क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ evaluation to rank the students and justify decisions regarding their passage to following year is called as, ठीक है, evaluate करते हो क्या, to rank the students, students को rank करने के लिए, उनको rank provide करने के लिए, and justify decisions regarding their passage, कि ये whether eligible है कि नहीं eligible है for the next study year, उसको हम क्या बोलते हैं, that is called as the summative evaluation। summative क्यों बोलते हैं, because
ये हम एंड में करते हैं। ए मसल दैट फ्लेक्सेस बोथ हिप एंड नी इज कॉल्ड एज, जो मसल है जो फ्लैक्स करती है किसको, एक तो हिप को फ्लैक्स करती है प्लस नी जॉइंट को फ्लैक्स करती है, ऐसे मसल को हम क्या बोलते हैं। देखिए अगर रेक्टस फ्यूमोरिस की बात करेंगे, रेक्टस फ्यूमोरिस जो होती है ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में रेक्टस फ्यूमोरिस एक मसल होती है, राइट। रेक्टस फ्यूमोरिस आती है इसमें एंड वास्टस लेटरलिस आती है, वास्टस मीडियलिस आती है और वास्टस इंटरमीडियलिस आती है, ठीक। सो रेक्टस फ्यूमोरिस जो है वो नहीं करती है फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नीज। देन बाइसेप्स फ्यूमोरिस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस जो है वो नी का हिप का फ्लेक्शन करती है, हिप का फ्लेक्शन करती है बाइसेप्स फ्यूमोरिस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस हिप का फ्लेक्शन करती है। बट क्वेश्चन इज बोथ हिप एंड नी दोनों का फ्लेक्शन करती है, बाइसेप्स फ्यूमोरिस हिप का फ्लेक्शन करती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द, ये इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स मसल। हैमस्ट्रिंग्स मसल में तीन मसल आते हैं, वन इज द बाइसेप्स फ्यूमोरिस, ठीक है। एक आती है सेमीटेंडनस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, ये तीनों आती है इन हैमस्ट्रिंग्स मसल। लेकिन जो सार्टोरियस मसल होती है, ठीक है, अगर हम ये एक इंडिविजुअल की लेग लेंगे जहाँ पे नी है, जो यहाँ से एक मसल जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सार्टोरियस मसल, ठीक। अब हिप रीजन में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हिप से स्टार्ट होती है और यहाँ पे नी जॉइंट की ओर भी ये मसल जाती है, दैट्स कॉल्ड एज द सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट मसल है इन ह्यूमन बॉडी, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द टेलर्स मसल। टेलर्स मसल हम सार्टोरियस मसल को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेराटस एंटीरियर है, सेराटस एंटीरियर का होती है एक्जिला के नीचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द बॉक्सर्स मसल। और इस रिलेटेड जो मसल इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चिविंग मसल, दैट इज द मेसेंटोरस मसल। मेसेंटोरस मसल को हम चिविंग मसल बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की स्ट्रांगेस्ट मसल बनती है। देन ऑक्युलरिस ओरिस कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ की जो मसल है दैट इज द ऑक्युलरिस ओरिस, और इसको हम किसिंग मसल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, जो कॉमन कोल्ड है दैट इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, ये बेसिक क्वेश्चन है। देन इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन लेवल कितनी होती है एक इंडिविजुअल में, इट इज अबाउट 0.1 to 0.4। मिल्क प्रोटीन विच इज मोर इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में जो एबंडेंट मिल्क प्रोटीन होता है दैट इज लैक्टो एल्ब्यूमिन, ठीक है, और एनिमल मिल्क में जो एबंडेंट प्रोटीन होता है दैट इज द कैल्शियम, सो लैक्टो एल्ब्यूमिन में रिमेन द राइट ऑप्शन। केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। देन CaOCl2 will remain the right option. CaSO4 half of water that is calcium sulfate hemihydrate, this is called as the plaster of Paris or POP. Which among them is not an essential amino acid, ठीक है, essential और non essential amino acid उसको याद रखने के लिए हम PMT Tim Hall, ठीक है, इस mnemonic का use करते हैं। So जो अमीनो एसिड इसमें आते हैं दैट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फिर जो रिमेनिंग रहते हैं दैट आर नॉन एसेंशियल, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरिटोरस, जो यूरिटोरस होते हैं उनकी नॉर्मल लेंथ 25 से 30 सेंटीमीटर होती है इन बोथ जेंडर, लेकिन यूरिथ्रा जो है उसकी लेंथ वेरी हो जाती है, मेल्स में लॉन्गर होता है फीमेल्स में शॉर्टर होता है। देन हीमोलाइटिक रिएक्शन इज कॉमन विथ, ठीक है, हीमोलाइटिक रिएक्शन जो है वो किस ड्रग के साथ कॉमन है, वन इज मिपैक्रीन, क्विनिन एंड प्रामाक्विन एंड द फोर्थ वन इज डेराप्रिम। देखिए जो मिपैक्रीन है, क्विनिन है और प्रामाक्विन है, तीनों जो ड्रग्स है दैट आर यूज्ड फॉर
मलेरिया. सो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स हुए. लेकिन इन तीनों में से किन में ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफ हीमोलिसिस? दैट इज द प्रामाक्विन. ठीक है, प्रामाक्विन से मैक्सिमम चांसेस ऑफ हीमोलिसिस होते हैं. जो प्रामाक्विन है उससे हीमोलिसिस यूजुअली किन इंडिविजुअल में होती है? जो नेग्रोज होते हैं. ठीक है, जो ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका होते हैं दैट आर कॉल्ड एज नेग्रोज, उनमें ज्यादा चांसेस ऑफ हीमोलिसिस होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रामाक्विन. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इडियोसिनक्रेसी. बिकॉज ऑफ इडियोसिनक्रेसी. इडियोसिनक्रेसी क्या होती है और इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी इंडिविजुअल में हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया, उस पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हुए और एलर्जिक रिएक्शन हुई ऐसे ड्रग से, लेकिन सेम ड्रग हम अगर दूसरे इंडिविजुअल में देंगे उसको जाके एलर्जी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज द इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट. ठीक है, इडियोसिनक्रेटिक इफेक्ट क्या है? जब प्रामाक्विन से हीमोलिसिस होती है इन नेग्रोस, राइट? और ये जो प्रामाक्विन है दैट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. प्रामाक्विन प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होता है. और ये जो डेरेप्रिम है ये हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज करते हैं. ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस को कैरी कौन करता है? कैट सी कैरी हो जाती है. देन टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, इनक्यूबेशन पीरियड 8 से पढ़ते आए हैं. कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्ल्यूक, प्ल्यूक इज कॉल्ड एज, प्ल्यूक को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दैट इज ब्लैक डेथ बोलते हैं. ठीक है, ये एपिडेमिक हुई थी इन 80s वगैरह. दैट इज द हिस्ट्री. किससे होती है? बाई यर्सिनिया पेस्टिस. ठीक है, बोर्डेला पर्ट्यूसिस से पर्ट्यूसिस होती है. लेप्टोस्पाइरोसिस बिकॉज ऑफ रैट्स होती है. एंड ऑप्शन 4 इज लाइसा वायरस. लाइसा वायरस से क्या होता है? जो रेबीज है, रेबीज होती है बिकॉज ऑफ लाइसा वायरस. ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही थी, देन पेशेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया? डायरिया. विच आर द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी? ऐसे केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी का नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेगा? इम्प्योर स्किन इंटेग्रिटी बनेगी? नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? अगर किसी इंडिविजुअल को फ्लूड ओवरलोड है, ठीक है, और इडीमा है, ऐसे इंडिविजुअल को स्किन ब्रेक डाउन हो सकता है, वहाँ भी इम्प्योर स्किन इंटेग्रिटी नर्सिंग डायग्नोस बन सकता है प्रायोरिटी बेसिस पे. यहाँ पे ये नहीं बनेगा. बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, किसी इंडिविजुअल को कोई कोलेस्टॉमी हुई है, ठीक है, अब उसको कोई एक्सटर्नल ट्यूब वगैरह लगा है, वहाँ पे बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा. ठीक, एक्टिविटी इंटॉलरेंस किस इंडिविजुअल में बनेगा? अगर किसी इंडिविजुअल को एनीमिया है और किसी इंडिविजुअल को हार्ट फेलियर है, इन दैट केस एक्टिविटी इंटॉलरेंस प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा. देन फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट. डायरिया से फ्लूड लॉस होता है, सो इंडिविजुअल विल हैव फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट, वो जाके प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा. नाउ ब्रेकबोन फीवर इज अनदर नेम फॉर. ब्रेकबोन फीवर किस में होता है? इन केस ऑफ डेंगू. ठीक है, डेंगू फीवर को ही हम ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं और इट इज कॉल्ड एज डेंडी फीवर. देन हाइस्ट नीड इन मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स. ठीक है, जो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है उनमें 5 टाइप्स ऑफ नीड्स आते हैं. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन सेल्फ एस्टीम, एंड फाइनल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हाइस्ट नीड पूछे है यहाँ पे, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ऑल. ठीक है, फूड पॉइजनिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है एक्सेप्ट वन. ठीक है, जो सेल्मोनेला है, सेल्मोनेला से टाइफाइड होता है. टाइफाइड के साथ साथ फूड पॉइजनिंग भी होती है एक इंडिविजुअल में. जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग है दैट इज द कंपाइलोबैक्टर जेजुनी. जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है उस जो बनता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. सेल्मोनेला से फूड पॉइजनिंग होती है. ठीक है, देन क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची जो होता है, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची से भी फूड पॉइजनिंग होती है. और इससे क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची प्लस क्लोस्ट्रिडियम परपिंजनस, इन दोनों से गैस गैंग्रीन होता है. ठीक, और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, इसे बोटुलिनम टॉक्सिसिटी हो रही है, और
फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है एक इंडिविजुअल में। लेकिन शैजला जो है, शैजला से क्या होता है, बेसिलरी डायसेंट्री, ठीक है, शैजला से फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। नाउ डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ 12 मंथस, जब बेबी 12 मंथस का पहुंचता है तब जाके क्या बोलता है, ये दो वर्ड्स बोलता है जिसको मीनिंग लाइक ही और शी विल कॉल एज पापा मामा सो फोर्थ एंड सो ऑन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को भी अंडर कंसिडरेशन लेना है। देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट एंड पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट आर द फीचर्स। क्या है, एक तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, दैट मीन जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जाके लो है, और जो हेमाटोक्रिट है दैट इज एलिवेटेड, और टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव है। ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं डेंगू को, ठीक है। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में जो इंडिविजुअल के प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल को ब्लीड होगा तो एज ए कंपनसेशन क्या होगा, इंडिविजुअल को हेमाटोक्रिट रेज होगा। और पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल को हम टॉर्निकेट लगाते हैं, ठीक है। जब टॉर्निकेट कुछ टाइम तक रखते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि पैचेस बने हैं वहाँ पे, अगर 10 से ज़्यादा पैचेस बने दैट मीन्स कि ये जो टॉर्निकेट टेस्ट है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, तब जाके वो क्या बनता है, डायग्नोज बनता है वहाँ पे डेंगू का। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर इन एनी सेट ऑफ स्कोर दैट इज कॉल्ड एज द मोड रिसर्च का क्वेश्चन है। एम्बो बैग इज यूज व्हेन पेशेंट डेवलप्स, एम्बो बैग हम कब यूज करते हैं, किस केस में हम यूज करते हैं, हेपेटिक फेलियर में यूज नहीं करते हैं, देन सीवियर हाइपरटेंशन में यूज नहीं करते हैं। नाउ दो चीजें रहती है, वन इज द रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हम यूज करेंगे ऑफ एम्बो बैग और रेस्पिरेटरी फेलियर। देखिए, वन इज द फेलियर, अनदर इज अरेस्ट। रेस्पिरेटरी है, जैसे कार्डियक फेलियर है और कार्डियक अरेस्ट है। फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट है वो स्ट्रगल करता है जस्ट टू रेस्टोर इट्स फंक्शंस, ठीक है, और अरेस्ट में क्या होता है, स्टॉप हो जाता है हार्ट इन द सेम वे। रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या करेगा, एक इंडिविजुअल का रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कंपनसेट करेगा सो दैट कि इसकी फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाए, बट जब अरेस्ट होगा तब कंप्लीटली जाके इसकी जो फंक्शन है वो हार्ट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। सो तब जाके हम एक इंडिविजुअल को आर्टिफिशियली ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ एम्बो, दैट इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। सो एम्बो का यूज करते हैं इनकेस ऑफ द रेस्पिरेटरी अरेस्ट। जब पेशेंट इंटुबेटेड होगा, इंटुबेटेड पेशेंट के जो ट्यूब होगा, इंटुबेशन ट्यूब, उसे जाके हम कनेक्ट करते हैं एम्बो बैग, ठीक है, देन एम्बो बैग को रिप्लेस करते हैं बाय वेंटिलेटर। डेंगू स्प्रेड इज बाय, जो डेंगू होता है वो किस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, दैट इज द एडीस इजिप्टे। एडीस इजिप्टे को हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, ठीक है, और फीमेल एनोफिला से मलेरिया ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक से क्या होता है, चिकनगुनिया, सॉरी फिलेरियसिस जो है, जापानीज एनसेफेलाइटिस प्लस फिलेरियसिस, वो ट्रांसमिट होती है बाय क्यूलेक्स। क्यूलेक्स को हम न्यूसेंस मॉस्किटो भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्लास्गोकोमा सिकेरी इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम GCSQL का यूज करते हैं। GCSQL क्या है, ये एक कोमा स्केल है जिसे एक इंडिविजुअल का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम चेक करते हैं, ठीक, 3 to 15 इसकी रीडिंग होती है, ठीक है। जब इंडिविजुअल को बिलो 7 होगा, बिलो 8 यूजुअली लेते हैं, बिलो 8 अगर होता दैट मीन्स कि इंडिविजुअल इज इन कोमा, ठीक है। जो डेड पेशेंट है उसका जो स्कोर आता है ऑन GCSQL दैट इज 3, 0 नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज मिनिमम रीडिंग जो है दैट इज 3। नाउ द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर एल्डरली ड्राई स्किन
किसी भी एल्डरली क्लाइंट को अगर ड्राई स्किन होगा तो वहाँ पे बेस्ट मॉइस्चराइजर क्या बनता है, पेट्रोलियम बेस्ड ऑइंटमेंट बनता है। देन जैगरी इज रिच इन, जैगरी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज गुड। ठीक है, गुड़ में क्या होता है, ज़्यादा आयरन होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड दैट इज 7.4। नाउ विच आर द फॉलोइंग इज प्योर सेंसरी नर्व, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं उनमें या तो मिक्सड होंगे या सेंसरी होंगे और मोटर नर्व्स होंगे। ठीक है, वो हम एक न्यूमोनिक से याद रखते हैं, दैट इज सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आंसर भी आप दोगे। नाउ नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर्ड इन न्यूबॉर्न, दैट इज 1:10,000। ये ऑलरेडी आपको कराया है। टू गिव आई एम इंजेक्शन विच साइज ऑफ नीडल इज यूज्ड, आई एम इंजेक्शन के लिए हम यूजली यूज करते हैं नीडल यूज ऑफ 22 to 25 gauge। ठीक है, नाउ लोअर लिमिट में हम 22 gauge का यूज करते हैं, यहाँ पे एक में 25 to 27 है और दूसरे ऑप्शन में 22 to 23 है। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको चाहिए, 22 to 23, बिकॉज सब क्यूटेनियस के लिए जो इंसुलिन सिरिंजेस है उसमें 25 gauge का यूज करते हैं। ज्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हिमोलिटिक रिएक्शन ऑकर्स, अगर किसी इंडिविजुअल को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, हिमोलिटिक रिएक्शन हुई है वहां पे, ठीक है, हिमोलिटिक रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऐसे इंडिविजुअल में हेमेचूरिया होगा। द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी, पहली नर्सिंग एक्शन क्या होगी, स्लो डाउन इन्फ्यूजन, स्लो डाउन नहीं करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को। ठीक है, देन नोटिफाई फिजिशियन, ये करना है बट स्लो डाउन नहीं करना है, कंप्लीटली स्टॉप करना है। ठीक, सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं जाएगा। देन बैकबोन ऑफ MCH सर्विसेज, MCH सर्विसेज हो या CHC, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हो। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज और MCH सर्विसेज दोनों की जो बैकबोन बनती है, दैट इज होम विजिटिंग। विच आर द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ अनस्टेबल लाई, लाई क्या होती है, लाई इज द रिलेशनशिप बिटवीन फीटल पार्ट्स विथ मैटरनल सुपाइन, ठीक है, और मैटरनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो लाइज होती है, जो मोस्ट कॉमन लाई होती है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, एबनॉर्मल लाई जो हो सकती है, दैट कैन बी ट्रांसवर्स और दैट कैन बी ओब्लिक। ठीक, सो काजेज ऑफ अनस्टेबल लाई क्या हो सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल गैस्टेशन होगी, मल्टीपल गैस्टेशन इज दैट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी काज बन सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया बन सकता है, हाइड्रोमनियाज बन सकता है और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बन सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज प्लेसेंटा प्रीविया भी काज बनता है ऑफ दिस अनस्टेबल लाई और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और पेल्विक ट्यूमर्स भी बनते हैं और हाइड्रोमनियाज भी बनते हैं, स्पेशली पॉलीहाइड्रोमनियाज। लेकिन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर मल्टीपैरा होगी, मल्टीपैरा काज बन सकता है ऑफ अनस्टेबल लाई, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी काज नहीं बनती है ऑफ अनस्टेबल लाई। रिपीटेड वोमिटिंग कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी, अब अगर किसी इंडिविजुअल को रिपीटेडली वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे इंडिविजुअल में जो स्टमक में HCl होता है वो लॉस्ट हो जाएगा, सो इंडिविजुअल को अल्कोलोसिस होगी। कौन सी अल्कोलोसिस होगी, देयर विल बी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। एंड जब भी एक इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होती है तब जाके एक इंडिविजुअल को हाइपोकैलेमिया होता है, और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी उसके साथ एसोसिएट होता है हाइपरकैलेमिया। क्यों होता है एसोसिएट, देखिए जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी एक इंडिविजुअल को, सो ऑब्वियसली जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसको कंपनसेट करने के लिए जो एच पॉजिटिव आयन है वो सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है, और सेल्स में मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन कौन सा है, पोटेशियम। वहाँ से सेल में चला जाता है हाइड्रोजन, वहाँ से निकल आता है पोटेशियम। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपरकैलेमिया एसोसिएट होता है और अल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया। प्रेजेंट अप्रोच इन फैमिली प्लानिंग इज, जो प्रेजेंट अप्रोच है इन केस ऑफ फैमिली प्लानिंग, दैट इज द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इंसेंटिव्स पहले से देते आ रहे हैं, थ्रेटनिंग तो नहीं है। ठीक, देन कैप्टेरिया, कैप्टेरिया मीन्स के जो भी एलिजिबल कपल होगा, ठीक है, एलिजिबल कपल को हम जो नॉलेज है रिगार्डिंग द कंट्रासेप्टिव्स वो प्रोवाइड करते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस दे कैन सेलेक्ट द मेथड ऑफ
कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ऑरिकोहेड्रोमनिया टर्म इज यूज्ड व्हेन एमनियोटिक फ्लूड, ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूड है मैक्सिमम अमाउंट जो होता है एमनियोटिक फ्लूड का दैट इज 1000 ml और टर्म प्रेगनेंसी में 800 ml होता है एमनियोटिक फ्लूड। जब एमनियोटिक फ्लूड लेस देन 200 ml होगा दैट इज कॉल्ड एज द ऑलिकोहेड्रोमनिया, मोर देन 1500 ml होगा दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीहेड्रोमनिया, ठीक है। ए एफ आई की बेसिस के पे हमें पूछा जाएगा दैट इज एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स जो होता है नॉर्मल दैट इज 5 to 25, लेस देन 5 होगा दैट इज कॉल्ड एज द ऑलिकोहेड्रोमनिया, मोर देन 25 होगा दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीहेड्रोमनिया। A physician has ordered phenytoin for a patient, the nurse should advise the client to. एक physician ने order किया है phenytoin को एक individual का, then the nurse should advise the client to. ठीक है, nurse क्या advise करेगी ऐसे patient को जिसको phenytoin चल रहा है। phenytoin क्या है, एंटी सीजर ड्रग है, इसके लिए भी हमने लेक्चर अपलोड किया है। then ये जो phenytoin है ठीक है ये toxicity create कर सकता है, so हमें मॉनिटर करना है फॉर ब्लड लेवल्स ऑफ फेनिट्राइन टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी। कंटिन्यू टू टेक ओसीपीज। देखिए जब भी एक इंडिविजुअल में फेनिट्राइन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब जाके जो एफिकेसी होती है ऑफ ओसीपीज वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक। अब अगर किसी पेशेंट में हम फेनिट्राइन दे रहे हैं तो तब जाके हमें क्या करना है, ओसीपीज का जो डोज है वो बढ़ाना है एक इंडिविजुअल को। यूज ऑफ अल्कोहल कंजर्वेटिवली, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल भी इसकी एफिकेसी कम कर देता है फेनिट्राइन की, ठीक है, सो अल्कोहल अवॉइड करना है। और ये जो फेनिट्राइन है फेनिट्राइन हम एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं विथ एनएस, ठीक है। अगर डेक्सट्रोज के साथ इसको यूज करेंगे फॉर डाइल्यूशन पर्पज वहां पर जाके प्रेसिपिटेशन हो जाती है। देन इम्यूनोग्लोबिन विथ शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, जो इम्यूनोग्लोबिन है जिसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है दैट इज आईजीई। आईजीई का सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होता है और आईजीजी जो होती है उसका सबसे लॉन्गेस्ट होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर इज दैट ऑफ, जो कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर है दैट इज ऑफ लंग्स। देन विच टाइप ऑफ लर्निंग वेयर साइकोमोटर डोमेन इज डोमिनेंट इज टर्मड एज, ठीक है। ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें जो साइकोमोटर डोमेन है वो डोमिनेंट होगा। साइकोमोटर दैट मीन्स कि दिस इज रिलेटेड टू सिकलस। थिक एंड येलोविश सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्मड एज, उसको क्या बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल, ठीक। क्लास्मा क्या होता है, पिगमेंटेशन होती है ऑफ स्किन इन प्रेगनेंट वुमेन। देन चाइल्ड के साइन में क्या होता है, डिस्कलरेशन होती है, बिलीविज डिस्कलरेशन ऑफ वेजेना ज्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन ऑसिंडियर साइन में क्या होता है, पल्सेशन होती है ऑफ लेटरल फोलिसेस। स्वेट टेस्ट इज डन विद, स्वेट टेस्ट जो है वो किन ड्रग से करते हैं, कोलिनर्जिक से करते हैं, ठीक है। जो पैरासिम्पैथिक मेमेटिक्स हो गए उनसे जाके क्या करते हैं, स्वेट टेस्ट करते हैं, स्वेट टेस्ट और दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम किस में यूज करते हैं, फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम स्वेट क्लोराइड टेस्ट का यूज करते हैं। और कौन सी ड्रग्स इसमें यूज करते हैं, कोलिनर्जिक्स जस्ट टू इंड्यूस द स्वेटिंग, सो पाइलोकार्पिन हम वहाँ पे यूज करते हैं। एट्रोपिन जो है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक और एपिनेफ्रिन जो है दैट इज एड्रेनर्जिक और सिंपैथोमिमेटिक। नर्सिंग मेजर टू इंड्यूस यूरिनेशन इन ए पेशेंट विद यूरिनरी रिटेंशन, देखिए जो नर्सिंग मेजर है ऐसे इंडिविजुअल के लिए जिस इंडिविजुअल को क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन हुआ होगा। और यूरिनेशन को इंड्यूस करने के लिए कौन सा मेजर हम लेंगे, फर्स्ट इज अप्लाई हॉट बैग टू द एब्डोमेन, ठीक है। हॉट बैग अप्लाई नहीं करना है एब्डोमेन को, ठीक है, हम कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं वहां पे, ठीक, सो दैट कि ब्लैडर के ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे इंडिविजुअल को जो है यूरिनेशन इंड्यूस हो जाएगी। कैटराइज द पेशेंट, अननेसेसरी कैटराइजेशन नहीं करनी है, जहां तक हो सके वहां तक हमें कैटराइजेशन अवॉइड करनी है। ऑफर बेड पैन टू द क्लाइंट, बेड पैन हम दो पर्पज के लिए करते हैं,
of the equation को first is to pass the stools and second is to pass the urine. Then ये option आ सकता है, इसका right option. Last one is ask the client to sit, ठीक है, and press lower abdomen. जब हम patient को बोलेंगे कि जो seat है for urination, ठीक है, commode है, वहाँ पे बैठ जाए और lower abdomen को क्या करें, press करिए. That is called as Creed's maneuver. उसको क्या बोलते हैं, that is called as the Creed's maneuver. Creed's maneuver जो है, that is the manual method for removal of urine from the bladder. ठीक है, Creed's maneuver अब recent times में हम use नहीं करते, but यहाँ पे इन्होंने दिया है, so option D will remain the right option. ठीक है, Creed's maneuver से bladder को empty करते हैं. जो पेशेंट लोअर एब्डोमेन को प्रेस करता है उसे जाके यूरिनेशन इंड्यूस होती है. ऐसे इंडिविजुअल में ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंज बेबी सिंड्रोम. किन में होता है, जिस भी बेबी को फोटोथेरेपी चल रही होती है, इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, वहां पे ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है और उसमें ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है ऑफ स्किन सेरम एंड यूरिन. ठीक है, डिमेंशिया, डहेरिया एंड डर्माटाइटिस, ये जाके रिफ्लेक्ट करते हैं नाइसिन की डेफिशिएंसी को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द पेलिग्रा. देन पिजन चेस्ट, बोन डिफॉर्मिटी एंड कर्वल लेग्स. पिजन चेस्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है ऑफ रिकेट्स. रिकेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, पिजन चेस्ट, बोन डिफॉर्मिटी एंड कर्वल लेग्स. अगर रिकेट्स अडल्टस में होगा, दैट्स कॉल्ड एज द ऑस्टियोमलेशिया. ऑस्टियोमलेशिया जो है, दैट इज द अडल्ट वर्जन ऑफ रिकेट्स. रिकेट्स किससे होती है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोमिटस. जब वोमिट में प्रेजेंट होगा ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हेमेटेमिसिस. हेमेटेमिसिस ये एक इम्पॉर्टेंट साइन बनती है ऑफ जी आई डिसऑर्डर, यूजली अपर जी आई की. ए न्यूनेट मीन्स, न्यूनेट किसको बोलते हैं, न्यूनेट इज फ्रॉम 0 to 28 डेज ऑफ बर्थ जो होता है, दैट्स कॉल्ड एज द न्यूनेट. न्यूनेट के दो टाइप्स होते हैं, वन इज द अर्ली न्यूनेट 0 to 7 डेज, ठीक है, देन 7 to 28 डेज, दैट इज कॉल्ड एज द लेट न्यूनेट. अब सिंपली क्या दिया है इसने, न्यूनेट, ठीक है, सो टाइम ड्यूरेशन विल बी 0 to 28 डेज. ठीक है, 0 to 7 डेज अर्ली जाएगा, 7 to 28 लेट न्यूनेट. बेबी ऑफ एज 0 to 1 ईयर, दैट्स कॉल्ड एज द इन्फेंट. वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन बी. देन विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी. देखिए, किसी भी सब्सटेंस का मेटाबोलिज्म है वो तब जाके होता है जब ये सब्सटेंस जो है ये पहले डाइजेस्ट होती है. ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स है और जो डाइसेकेराइड्स है वो जाके पहले कन्वर्ट होते हैं और डाइजेस्ट होते हैं इन मोनोसेकेराइड्स, उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है. ग्लूकोज जो है, दैट इज मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये मेटाबोलाइज होगा. सक्रोज जो है, सक्रोज इज डाइसेकेराइड, ये जाके मेटाबोलाइज नहीं होगा, पहले इसकी डाइजेशन होनी है, उसके बाद इसका मेटाबोलिज्म होगा. ठीक है, फ्रुक्टोज इज फ्रूट शुगर, ये मोनोसेकेराइड है, ये मेटाबोलाइज होगा. और डेक्सट्रोज इज ऑल्सो द मोनोसेकेराइड, ये जाके भी मेटाबोलाइज होगा एक इंडिविजुअल में. देन कंपोनेंट्स ऑफ जीसीएस स्केल, ठीक है, दैट इज ईएमवी स्केल, आई रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स एंड वर्बल रेस्पॉन्स. ये जाके हम वर्बल, मोटर, आई एक्सेप्ट दिखा रहा है, सो रेस्पिरेशन हम जीसीएस स्केल में नहीं देखते. नाउ हाइड्रेट फॉरम मोल इज, ठीक है, हाइड्रेट फॉरम मोल क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की कंडीशन नहीं होती है. देन नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा, ये भी नहीं होती है. ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा होती है, जहाँ पे क्या होता है, पार्टली डिजेनरेशन हुई होती है ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, और प्रोलिफेरेटिव चेंज हुई होती है इन यंग कोरियानिक विलय. ठीक है, एक कोरियानिक विलय का एक पार्ट जो है उसमें डिजेनरेशन हुई होती है और दूसरे पार्ट में प्रोलिफरेशन हुई होती है. ठीक है, दैट इज हाइड्रेट फॉरम मोल, और दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज अ कोरियो कार्सिनोमा. ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. देन लीडरशिप स्टाइल्स इन विच लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस, ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ठीक, देन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर होता है और जो मेंबर्स होते हैं वो जाके
कंबाइंडली डिसीजन लेते हैं. थर्ड ग्रुप इज लेजिस्फायर. लेजिस्फायर में जो डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है वो मेंबर्स को होती है. ठीक है. देन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर. जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं या तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होगे या न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होगे. जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें हमारा डिसोसिएटिव रिएक्शन आता है. ठीक है. और ओसीडी वगैरह वो भी आते हैं किसमें, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में. जो डिप्रेशन है, मीनिया है और स्किज़ोफ्रेनिया, ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं. ठीक. न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स की जो डिफरेंस है इनमें वो जाके आपको जहन में रखनी है. ठीक है. जो एंटी साइकोटिक्स होते हैं मेजर किस में यूज़ करते हैं, माइनर किस में यूज करते हैं, ईसीटी वगैरह उस पर आपको नजर मारनी है. देन टेस्टिकुलर आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ. जो टेस्टिस को सप्लाई करती है आर्टरी वो किसकी ब्रांच होती है. देखिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो अपर पार्ट ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइनस को ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इंपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये कोलन को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई. देन सीलिक आर्टरी. सीलिक आर्टरी जो होती है इसके तीन ब्रांचेस होते हैं. वन इज द सुप्लीनिक, अनदर इज गैस्ट्रिक एंड थर्ड वन इज हेपेटिक. सुप्लीनिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी, ये जाके क्या बनाते हैं, सीलिक आर्टरी और सीलिक ट्रंक. लेकिन जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो जाके कहाँ से एग्जिस्ट होता है, फ्रॉम एओर्टा. कौन से एओर्टा से, वी कैन से कि एब्डोमिनल एओर्टा से ये एग्जिस्ट हो जाती है टेस्टिकुलर आर्टरी. नॉर्मल बीपी ऑफ बेबी ऑफ वन ईयर ऑफ एज, जो बेबी होगा ऑफ वन ईयर ऑफ एज उसको नॉर्मल बीपी कितना होगा, दैट विल बी 100/60. व्हाट डू यू मीन बाय विजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स. देखिए विजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स क्या होती है, अगर एक इंडिविजुअल है स्पेशली ये बच्चों में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तब जाके इसमें जो यूरेटर्स होते हैं ब्लेडर में वो ऐसे ओब्लिकली अटैच होते हैं. ओब्लिकली क्यों अटैच होते हैं, बिकॉज जब ये यूरिनेशन के टाइम ये ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा. ठीक है. तो ये यूरेटर जो है ये ब्लॉक हो जाएगा और वी कैन से कि बैक फ्लो ऑफ यूरिन नहीं होगा. कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस होती है जहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग्स होती है यहाँ पे ब्लैडर के टाइम पे जब ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाता है ये क्लोज नहीं होती है, तब जाके बैक फ्लो ऑफ यूरिन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विजिको यूरेटरी रिफ्लेक्स. ठीक है. सो विजिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स इज फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा. ठीक है. जब ब्लैडर का जो यूरिन है वो फ्लो होता है फ्रॉम द ब्लैडर टू यूरेथ्रा, ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है. ठीक है. नॉर्मली ऐसा होता है. एब्सेंस ऑफ फ्लो इन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा, दैट मीन्स कि देयर इज रिटेंशन. देन प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स इन द यूरेटर्स, ये भी नहीं आएगा. राइट ऑप्शन इज बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेटर्स. देन वाइटामिन डिस्ट्रॉयड बाय हीट, जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं दैट इज वाइटामिन बी एंड सी, वो जाके हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. बी और सी का कंपैरिजन करेंगे, बी ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एज कम्पेयर टू द सी. अब वाइटामिन बी के दो क्लासेस दिए हैं यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स के. वन इज द बायोटिन, दैट इज वाइटामिन B7, और थायमिन दिया है यहाँ पे. सो B7 जो है बायोटिन वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है बाय हीट. देन सुपर एन्युएशन इज सिंपली द पेंशन दैट इज गिवन टू द एम्प्लॉयज आफ्टर द रिटायरमेंट, ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनता है. सो इट वॉज समराइज्ड लेक्चर रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ सिकिमस. सो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है. कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. सो मेन सब्जेक्ट जो आपका रहेगा विद रेस्पेक्ट टू डैट एग्जाम, पहला तो रहेगा आपका जो है MSN. MSN तो गुरु है. ठीक है. हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा इसका. MSN को आप कंप्लीट करोगे तो ड्रग्स भी वहीं से आएंगे. ठीक. फंडामेंटल्स पे आपको फोकस रहना चाहिए. देन गाइनी, रिसर्च मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी MSN के साथ ही आएगी.
ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है।